Hello friends, I am Nursingh Panda. Welcome all of you to my YouTube channel Yomo Tutorials. यहाँ पर मैं basically mathematics के बारे में बताऊँगा. So आप लोग मेरे वीडियो देखिए और अगर आप लोग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल Yomo Tutorials में आप लोग का स्वागत रहेगा. आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा. थैंक यू. तो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ रेशनल नंबर्स, क्लास 7 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी. सो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं. सो व्हाट डू वन वे रेशनल नंबर्स. सो हमें पहले तो पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या है. व्हाट इज़ इंटीजर, इंटीजर, ओके. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज़ ए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, और नेगेटिव इंटीजर क्या है? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ओके. और बीच में क्या होता है? जीरो भी आता है, ओके. जीरो इज ऑल्सो टेकन एज एन इंटीजर. सो ये जो इंटीजर का स्केल जो रहता है वो कैसे रहता है? जैसे जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, जीरो से अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव रहेगा, और अगर राइट की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव रहेगा, ओके. जीरो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, जो मिडिल में रहता है. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, ये पॉजिटिव नंबर से. सिमिलरली इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4 और -5 एंड सो ऑन. और ये जो डिस्टेंस है, जीरो से वन का डिस्टेंस सेम रहेगा एज दैट ऑफ 1 to 2. जीरो से वन का डिस्टेंस इतना रहेगा, वन से टू का डिस्टेंस भी उतना रहेगा, टू से थ्री का डिस्टेंस भी उतना रहेगा. सिमिलरली इधर जीरो से -1 का डिस्टेंस इतना रहेगा, -1 से -2 का डिस्टेंस उतना रहेगा, -2 से -3 का डिस्टेंस इतना रहेगा एंड सो ऑन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीरो से, जैसे मान लो ये स्केल है, जीरो से वन का डिस्टेंस मैंने इतना रखा है और वन से टू का डिस्टेंस इतना रह जाएगा, फिर टू से थ्री का डिस्टेंस फिर कम हो जाएगा, ये रॉन्ग है. ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. जीरो से वन का डिस्टेंस इतना रहेगा, वन से टू का डिस्टेंस भी उतना रहेगा. जीरो से -1 का डिस्टेंस इतना रहेगा, -1 से -2 का डिस्टेंस भी उतना ही रहना चाहिए, ओके. और इंटीजर में डेसिमल्स, जैसे मान लो कि 5.5, ये नहीं आएगा, ओके. जैसे ए बाई बी फॉर्म में रहता है, जैसे मान लो कि 5/6, ये भी नहीं आएगा, ओके. और जैसे √2 या √3 ये सब नंबर्स आता है, ये भी इंटीजर्स में नहीं आएगा, ओके. इंटीजर्स में ओनली जीरो है पॉजिटिव नंबर से और नेगेटिव नंबर से. पॉजिटिव नंबर 1 से लेके एंड सो ऑन, एंड -1 से लेके से नेगेटिव नंबर एंड सो ऑन एंड जीरो, दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, ओके. देन हम लोग देखते हैं अभी रेशनल नंबर्स एक्चुअली क्या होता है. रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर एक नंबर है जो कि हम उसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. बी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये वैल्यू का, ये जो ए बाई बी, अगर बी अगर जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा. तो बी का वैल्यू जीरो नहीं होके कुछ भी नंबर अगर रहेगा, तो ए बाई बी फॉर्म में अगर रहता है वो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए क्या कह ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स है जैसे मान लो कि 3/8, 3/8 इज ए रेशनल नंबर, ओके. मान लो कि 5/4, इट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 11/7, इट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर. माइनस में अगर लेंगे -5/3, इट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल -1/2, इट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर. तो दीज आर द रेशनल नंबर्स, ओके.
अभी देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है या लॉज क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होता है। तो पहले एडिशन का देख लेते हैं, व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का प्रॉपर्टी क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, मतलब कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, अगर ए और बी अलग अलग रेशनल नंबर है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी हो सकता है। मतलब ए प्लस बी अगर है तो उसको उल्टा भी कर देंगे, एडिशन करेंगे तो बी प्लस ए सेम रहेगा, उसका रिजल्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ओके, सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है ए इंटू बी अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको उल्टा करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब बी को पहले रखेंगे इंटू ए रखेंगे तो उन दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये रेशनल नंबर्स का जो प्रॉपर्टीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर इंटीजर्स। ओके, इंटीजर के लिए भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाइड होता है। मतलब ए और बी अगर दोनों इंटीजर है दे दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन का रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन, अगर ए और बी दोनों इंटीजर है देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये तो पहला प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। ओके, देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखो ये नाम जो इंडिकेट करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, एसोसिएशन होकर रहना है, एसोसिएट होकर रहना है। ओके, तो इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं, पहला एडिशन के ऊपर रहता है। ठीक है, एडिशन का क्या है, सपोज ए प्लस बी ब्रैकेट में रहता है, मतलब विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, देन इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ पे ए और बी ब्रैकेट में था और सी बाहर था, ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे वो क्या हो सकता है, इसको हम लोग अदल बदल के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ए प्लस सी प्लस बी ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब ए बी सी अगर तीनों इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर अगर है देन ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी ब्रैकेट बी प्लस बी। ओके, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एडिशन का है। ओके, एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देन हम लोग देख लेते हैं कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रहेगा, ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू सी इंटू बी। ओके, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू, अभी बी इंटू सी को मैंने ब्रैकेट रख दिया, इक्वल टू अभी ए और सी को मैंने ब्रैकेट में ले लिया उसके बाद बी को मल्टीप्लाई किया, सो ब्रैकेट ए इंटू सी इंटू बी। तो ये जो तीनों इंटीजर्स है या फिर रेशनल नंबर अगर होगा तो इसको हम लोग अदल बदल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में लागू होता है, और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो अगेन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में भी लागू होता है फॉर बोथ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। ओके, अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल किसका देखेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन का पहले देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन का मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल 3 + 10 इक्वल टू 10 + 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो देखो 3 + 10 कितना हो रहा है, 13 आ रहा है ना आंसर, और 10 + 3 कितना हो रहा है, वो भी 13 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 + 10 इक्वल टू 10 + 3, इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अभी देखते हैं नेगेटिव इंटीजर, -5 + -3 इक्वल टू -3 + -5, ये होना चाहिए। अगर a माइनस फाइव है और b माइनस थ्री है, देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। इसका मतलब -3 + -5 आना चाहिए। तो रिजल्ट कितना हो रहा है, देखो -5 + -3 मतलब क्या है, -5 - 3 कितना हो रहा है रिजल्ट, -8। ये दोनों का रिजल्ट ये आया। ओके, अब ये दोनों का रिजल्ट देखो, -3 + -5 इसका मतलब क्या है, -3 - 5 तो ये रिजल्ट कितना आएगा, -8। ये दोनों का भी रिजल्ट सेम है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी लागू हुआ, नेगेटिव इंटीजर के लिए लागू हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग क्या रेशनल नंबर के लिए भी लागू होगा या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2/3 + 1/2 = 1/2 + 2/3 होना चाहिए। अगर 2/3 ए है और 1/2 बी है, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से 2/3 + 1/2 = 1/2 + 2/3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। पहले 2/3 + 1/2 को लेके देखते हैं, तो 2/3 + 1/2 कितना होगा, इसका एलसीएम 6 होगा, 6 होगा तो कितना होगा, 3 + 2 सो 2 × 2 + 2 × 3 = 6 होगा, सो 1 × 3 तो कितना हो गया, 4 + 3/6 दैट इज इक्वल टू 7/6। ये इसका आंसर आ गया ये दोनों का, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, इसका भी कितना होगा, एलसीएम 6 होगा, सो 2 × 3 2 × 3 = 6 हो रहा है, सो 1 × 3 + 3 × 2 = 6 हो रहा है, सो 2 × 2 2 × 2 तो कितना हो गया, 3 + 4/6 इक्वल टू 7/6। ओके, तो ये बराबर सेम आ रहा है दोनों ही साइड का, ये जितना आया ये इतना आया, तो ये रेशनल नंबर्स के लिए भी लागू हो जाता है। दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, अभी देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, मतलब क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 × 11 = 11 × 10 तो अभी देख लेते हैं 10 × 11 का वैल्यू कितना आ रहा है, इक्वल टू 110, इसका वैल्यू इतना आया। अभी 11 × 10 का वैल्यू कितना आएगा, इक्वल टू 110, इसका वैल्यू सेम आया। इसका मतलब क्या है, a × b = b × a, ये बराबर है। अभी नेगेटिव इंटीजर का भी देख लेते हैं, -5 × -10 = -10 × -5, ये भी होना चाहिए। इसका भी देख लो कितना वैल्यू आ रहा है, -5 × -10 तो 5 × 10 = 50 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर भी देखो 10 × 5 = 50 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी वैल्यू सेम आया 50। सो a × b = b × a नेगेटिव इंटीजर में भी हो गया। अभी देख लेते हैं रेशनल नंबर में कितना हो रहा है,
फॉर एग्जाम्पल 5/4 इंटू 3/2 ओके इक्वल टू 3/2 इंटू 5/4 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आप वैल्यू कितना आ रहा है, 5/4 इंटू 3/2 कितना होगा, 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 क्या होगा 8, ये वैल्यू इतना आया। अब यहाँ पर भी देख लो 3 इंटू 5 15 हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8 हो गया, इसका वैल्यू सेम आ रहा है। तो रेशनल नंबर के लिए भी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो गया। अभी नेगेटिव रेशनल नंबर भी लेके एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। सपोज -1/2 इंटू 4/7 दैट इज इक्वल टू 4/7 इंटू -1/2 होना चाहिए। तो कितना हो रहा है देख लो इसका वैल्यू, -1 इंटू 4 जे -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 जे 14, ये इसका आंसर आया। और इसका आंसर कितना आएगा, 4 इंटू -1 जे -4 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 जे 14, इसका आंसर भी सेम आया। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब क्या है, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल्स। ओके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके तो पहले एडिशन का देखते हैं, एडिशन का फॉर्मूला क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, a प्लस बी ब्रैकेट में रहेगा प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को हम लोग अभी ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 10+20+30 इक्वल टू 10+20+30 ये होना चाहिए। तो वैल्यू देख लेते हैं, 10+20 30 हो गया, सो 30+30 इक्वल टू 60 हो गया। तो इस साइड का आंसर जो है LHS का ये आ गया। ठीक है, अभी RHS का देखते हैं, ये क्या होगा, 10+20+30 को पहले ऐड कर लेंगे तो 50 हो गया इक्वल टू 10+50 इक्वल टू 60 आ गया। तो दोनों वैल्यू सेम है LHS और RHS, सो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। ओके अभी ये इंटीजर्स के लिए लागू हो गया, अभी हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स के लिए। तो रेशनल नंबर्स के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल 1/9 प्लस ये ब्रैकेट में रह जाएगा प्लस 5/4 फॉर एग्जांपल लेते हैं इक्वल टू 1/2 प्लस 3/9 प्लस 5/4 ये होना चाहिए। तो पहले LHS का वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा, पहले तो ब्रैकेट में जो है 1/2 + 3/9 इसको ऐड करते हैं, तो 2 और 9 इसका LCM, ये LCM कितना होगा, 2 × 9 हो जाएगा 18, सो 2 × 9 जे 18, सो 1 × 9 9 हो जाएगा प्लस 9 × 2 जे 18 होगा, सो 3 × 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा प्लस 5/4 सो कितना होगा 15/18 प्लस 5/4 तो कितना होगा 18 और 4 का अपने को क्या करना पड़ेगा LCM निकालना पड़ेगा। सो 18 और 4 का LCM कितना होगा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 × 9 और 2 × 2 अगेन 2 से होगा, तो 9 × 9 रह जाएगा और 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 2 4 × 9 36 हो रहा है। ठीक है, तो 36 LCM हो जाएगा, 36 होगा तो कितना होगा 18 × 2 = 36 तो 15 × 2 हो जाएगा प्लस 4 × 9 = 36 होगा तो 5 × 9 जो हो जाएगा। ठीक है, तो 30+45/36 तो कितना हो रहा है 75/36 इज द आंसर। ये तो LHS का आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या RHS का, देखेंगे RHS का क्या आंसर होगा उसको देख लेते हैं। तो कितना होगा RHS वाला, तो RHS में पहले 1/2 का HZ रख देंगे प्लस
ये 3/9 प्लस 5/4 ब्रैकेट में, इसको देख लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, 9 × 4 से 36, ओके। सो 9 × 4 जी 36, तो 3 × 4 प्लस 4 × 9 होगा 36, तो 9 × 5 कर देंगे तो कितना होगा 1/2 प्लस ये कितना होगा 12 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 36, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस ये कितना होगा 2 × 4 = 5 = 7, 4 × 1 = 5 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 36 ही होगा, क्योंकि देख लो आप 2 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 2 × 1 और 2 × 18, सो लास्ट में क्या रहा, 18 × 2, तो 36 हो गया, ठीक है। सो 2 × 18 से 36, सो 1 × 18 प्लस 36 × 1 ही रहेगा, तो 57 × 1 होगा, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 36, तो कितना हो रहा है 8 × 7 = 15, 5 × 1 = 1, 2 × 5 = 7 डिवाइडेड बाई ये 36, तो कितना आया 75/36। ये देखो LHS का वैल्यू 75/36 था और RHS का वैल्यू भी 75/36 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये इंटीजर्स के लिए और आपका जो रेशनल नंबर्स है उसके लिए भी ये लागू होता है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है योमो ट्यूटोरियल्स। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल के थ्रू भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।